ये कार्यक्रम सत्य घटनाओं से प्रेरित है। जिनके साथ ये घटनाएं घटी उसकी वास्तविकता उन्हीं तक सीमित है। भूत प्रेतों और अपसामान्य विषयों के होने पर चैनल कोई दावा नहीं करता और ना ही प्रोत्साहन करता है। आत्माओं की तो एक अपनी दुनिया होती है, फिर वो क्यों आती हैं हमारी दुनिया में, हमारी जिंदगी में? क्या वो हमारी दुनिया में हम जीते जागते इंसानों को सिर्फ दहशत ज़दा करने आती हैं? आखिर वो कौन सी दुनिया है जहां से वो आती हैं और जहां हमारे लिए सिर्फ नफरत ही नफरत पलती है? या फिर आत्माओं के इस खौफ और नफरत के पीछे कोई मासूम पहलू भी छिपा हो सकता है? अगर हम जीते जागते इंसानों में अच्छे और बुरे दोनों पहलू हैं, तो जाहिर है कि आत्माओं में भी ये दोनों पहलू होने चाहिए। पर क्या वाकई ऐसा है? क्या आज तक किसी ने आत्माओं के मासूम पहलू को भी देखा है? ये सवाल जितना चकित कर देने वाला है, इसका जवाब उतना ही मुश्किल है। मैं डॉक्टर नागर, पेशे से मनोवैज्ञानिक और पैशन से ह्यूमन माइंड का फैन, हर बार आपके पास लेकर आता हूं मुझसे मिले कुछ लोगों की आप बीती, कुछ घटनाएं जिन्हें सुनकर हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। आज हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश की सौम्या व्यास और वो सुनाएंगी अपने साथ घटी एक सच्ची घटना जिसमें उन्होंने कुछ खोकर कुछ पा लिया और जिस घटना ने उन्हें एक ऐसे दोराहे पर ला खड़ा कर दिया कि वो समझ नहीं सकी कि उन्हें खुश होना चाहिए या दुखी। पर आखिरकार वक्त के साथ उन्होंने सच को स्वीकार ही कर लिया। शायद राहुल ब्रिज कॉरपोरेशन में काम किया करते थे। कई साल पहले उस छोटे से कस्बे में बन रहे एक ब्रिज के सिलसिले में उनका वहां ट्रांसफर हुआ था। बार बार के इन ट्रांसफर से पढ़ाई खराब ना हो, इसलिए हमने अपनी बेटी इति को हॉस्टल में डाल रखा था। मैं एक बार फिर से प्रेग्नेंट थी तो उस छोटे से कस्बे की शांत सी लाइफ बड़ी अच्छी लगती थी, पर प्रेगनेंसी आगे बढ़ी तो मुझे कुछ अजीब सा फील होने लगा। नहाने के बाद ताजगी आई है। साइट पर इतनी धूल होती है ना कि अरे हाँ सौम्या, तुम कुछ कह रही थी? राहुल, पिछले कुछ दिनों से घर साफ रहता है, बर्तन बिल्कुल चमकते रहते हैं। तुम औरतें भी ना, नौकरानी ठीक से काम करे तो मुश्किल, ना करे तो भी मुश्किल। चंदा आए तो काम करे ना, वो तो हफ्ते भर से नहीं आई। अरे बेबी, तुम आराम करती होगी ना, तब तुम्हें बिना डिस्टर्ब करे काम करके चली जाती होगी। तुम भी ना यार। राहुल ने उस समय तो बात टाल दी, पर फिर एक संडे को राहुल कुछ सुन रहे हो? अरे हाँ, चंदा बाथरूम साफ कर रही है। चलो अब खुद देख लो, चंदा साफ कर रही है या कोई और? देखो साफ है ना? ओफो, तो साफ करके चली गई होगी यार। तुम मेरी बात पर विश्वास क्यों नहीं करते? और मैंने कितनी बार राहुल को वो सब दिखाने की कोशिश की, पर यकीन करने के बजाय वो मुझे डॉक्टर के पास ले गए। सौम्या, एवरीथिंग इज नॉर्मल, पर क्या है कि आप अपनी पिछली प्रेगनेंसी में फैमिली के साथ थी ना, मतलब आपके सास ससुर भी आपके साथ थे, पर इस बार आप अकेली है। खासकर जब राहुल काम पे चला जाता है तो आपके पास सुख दुख बांटने के लिए कोई नहीं होता ना। घर में सारे दिन अकेले रहने से स्ट्रेस हो जाता है प्रेगनेंसी में। राहुल, आप अपने पेरेंट्स को बुलवा लीजिए जल्दी से, इनका मन बहल जाएगा। आई एम राइटिंग अ प्रेस्क्रिप्शन फॉर हर, ये दवाई टाइम पे ले लो, ट्रस्ट मी सब कुछ ठीक होगा, शी विल बी फाइन। और उन्होंने मुजफ्फरनगर से माँ जी और बाबूजी को बुलवा लिया। बहू, तू चिंता मत ही ना कर, मैं सारा काम संभाल लूंगी,
तू बस मन्ने एक सुंदर सा पोता दे दियो। पर जैसे ही माजी ने खाना बर्तन और सफाई के काम संभाले, मुझे कुछ और ही फील होने लगा। लगता था जैसे जब मैं सोती हूं तो कोई मेरे बदन की मालिश कर रहा है। कौन है वहां? पर वहां कोई नहीं था, बस बिस्तर पर किसी के बैठने की सिलवटे किसी के होने का एहसास दिला रही थी। और एक दिन तो जब मैं नहाकर आई तो जैसे कोई मेरे बाल सवारने लगा। कौन है? कौन है? बोलते क्यों नहीं? कौन है यहाँ? कौन था बहू? पता नहीं। बोल ना बहू, कौन था यहाँ? कुछ पता नहीं, पर उसने मुझे छुआ। उस दिन के बाद कुछ दिन तो सब शांत रहा, पर एक दिन अचानक मुझे एक आवाज सुनाई दी। दीदी, ए दीदी। कौन? कौन है वहाँ? कौन हो तुम? सुमन। सुमन, क्या चाहती हो तुम? मुझे दिखाई क्यों नहीं देती? क्यों मेरे पीछे पड़ी हो? हम पीछे कहाँ पड़े हैं दीदी, बस सेवा करने आए हैं आपकी। क्या चाहिए तुम्हें? हमें कुछ नहीं चाहिए, आपके पेट में बच्ची है तभी आपकी सेवा कर रहे हैं। हमें मना ना करिए दीदी। उसकी मीठी आवाज सुन के जैसे मेरा डर कहीं चला गया, और बस फिर वो रोज बड़े प्यार से मेरे पैर दबाती, मालिश करती, सर में तेल लगाती, जैसे मेरी कोई सहेली हो। अब घर में सब शांत हो गया था, क्योंकि मैं किसी को नहीं बताती थी उसके बारे में। पर एक दिन, सुन राहुल, एक बात तो मन ने सोची ना, कि बहू को छोरा होगा कि चोरी। जो होगा अच्छा ही होगा। तो मती ना बोलो इस मामले में, एक छोरी पहले से ही है, छोरियों की लाइन ना लगानी घर में। अरे चिता में आग देने वाला चाहिए कि नहीं? राहुल, तू अभी जा डॉक्टर के धोरे, और वो क्या केवे है, वो सोनोग्राफी करा ले बहू की। और सोनोग्राफी से पता चला कि मेरे पेट में बेटी पल रही थी। क्या छोरी है? सुन ले राहुल, मैं साफ साफ कहूँ, यो छोरी बहू ने गिरानी पड़ेगी। अरे प्लीज, क्या बोल रहे हो आप? बावड़ी 6 महीने हो लिए गर्भ के, मर जाएगी थारी बहू। मरेगी तो वैसे भी, एक और छोरी घर में लावेगी तो मैं खुद गला दबा दूंगी उसका। और तभी अचानक अलमारी के ऊपर से ट्रंक गिरा सीधे माजी के ऊपर। अरे मार डाला, यो क्या गिर गया पैर पे? अरे जल्दी उठा अपनी अम्मा को अस्पताल लेके चल, चल 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 जल्दी उठा चल। कुछ नहीं होगा अम्मा को, अम्मा तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा मैं। अम्मा अम्मा संभालो धीरे। अरे मामा धीरे रहो बच्चा। और कुछ दिनों बाद जब माजी हॉस्पिटल से लौटकर घर आई तो सब कुछ फिर से ठीक होने लगा। सुमन पहले की तरह मेरी सेवा करने लगी, पर एक दिन माजी ने फिर से वही जिद पकड़ ली। समझने की कोशिश करो अम्मा, एक बार आपने अबॉर्शन की बात की थी ना, तो आपका इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया और अब आप फिर से। खाना खा लीजिए माजी। ना खा रही मैं, भूख की जान दे दूंगी पर छोरी ना आने दूंगी इस घर में। उन्हें अनजल छोड़े 4 दिन हो गए थे तो सबको झुकना पड़ा। ठीक है अम्मा, जैसी आपकी मर्जी, लेकिन आप खाना खा लो प्लीज अम्मा, अन्न का दाना मुंह में डाल लो अम्मा। मैं कल ही ले जाऊंगा सौम्या को हॉस्पिटल। कल सुबह हॉस्पिटल जाना था और रात को मैं अपने कमरे में बैठी सिसक रही थी। सुमन की आवाज भी नहीं सुनाई दी, जैसे वो भी मेरी बेटी की मौत का दुख मना रही हो। पर तभी माजी के कमरे से उनकी चीखें सुनाई थी। छोड़ दे, छोड़, माजी, छोड़, मणि, माजी, मणि छोड़ दे, कौन है, कौन है तू, क्यों मेरी जान लेना चाहे है? बेटी है तो जान लेगी तू, बेटी की जान लेगी। अरे बचाओ, बचा लो कोई, तुझे पता भी है? छोड़ो, अब ले जान, ले जान। ये गला दबावे है मारा। क्या हुआ अम्मा? अरे छोड़ो कोई, कोई भी तो नहीं है अम्मा। अरे कौन है रे? अम्मा देखो तो कोई नहीं है यहाँ पर। अरे क्या हो गया अम्मा? सुमन किसी को नहीं दिखाई थी, पर उस दिन पहली बार मैंने उसे अपनी आंखों से देखा।
माँ जी की छाती पर सवार उनका गला दबोचे। छोड़ दे सुमन, सुमन छोड़ दे, बचाओ। नहीं दीदी, जब तक बिटिया का जन्म ना होगा हम इसे नहीं छोड़ेंगे। और ऐसा ही हुआ। इलाज कराया, तांत्रिक ओझा बुलाया। ओम काली कपाली भी स्वाहा, ओम स्वाहा, ओम। ए, छोड़ दे पिशाचिनी, छोड़। नहीं छोड़ेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे। उसी तरह 3 महीने बीत गए और मैं एक सुंदर सी बच्ची की माँ बनी। और तब सुमन ने माँ जी का गला छोड़ा, पर इतने दिनों में शायद उन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका था। मैंने उन्हें खुद बच्ची के साथ खेलते देखा। अले ले ले, आहा, कैसे सुंदर लगे रे, बिल्कुल राहुल पे गई दिखे। वैसे ही मुस्कुरावे है। चल, थारे को इस पे प्यार तो आया? कोई प्यार वार ना आया, किसी दिन मेले में छोड़ दूंगी इसको, ढूंढते रहियो सबके सब। हाँ, मैंने सुना तो मैं काम गई, मैं भाग के गई और उनकी गोद से बच्ची को छीन लिया। उस रात मुझे कई दिनों के बाद सुमन फिर दिखाई दी। वो चुपचाप कोने में खड़ी थी, लेकिन बहुत ज्यादा गुस्से में। और अगले दिन जब मैं उठी तो बच्ची मेरी बगल में थी, पर माँ जी गायब थी। राहुल, राहुल, बाबूजी, माँ जी पता नहीं कहाँ चली गई। कहाँ चली गई थी अम्मा? पूरे घर में ढूंढा, कहीं नहीं मिली। अरे ये क्या कह रही हो सोमिया, तुम ऐसे कैसे जा सकती हो कहीं भी? हमने सारे घर में ढूंढा, सारे शहर में ढूंढा, पर उस दिन के बाद माँ जी कहीं दिखाई नहीं दी, और ना ही सुमन। जब किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो उन्होंने गांव वालों से इस सब की वजह जानने की कोशिश की, और तब उन्हें जो कुछ सुनने को मिला उसके आगे किसी की कल्पना भी नहीं जाती। बहुत पुराना बात है साहब, ए कोनो 100-150 घर रहा होगा ये गांव, अच्छा खेती बाड़ी रहा, सब खुशहाल रहा ये गांव, सब बढ़िया चल रहा था। पर जाने का भाई, जैसे कोनों का नजर लग गया, ऐसा है जब फैला पूरा इलाका में कि जानवर की तरह मरे सब लोग। ऐसा कोई घर नहीं दिखा जिसमें से 2-4 लाश ना निकला हो साहब। ये घर में भी सुमन रहत रही अपने मरद के साथ, पहली बार पांव भारी रहा उसका, पर हैजा वो को नहीं छोड़ा साहब। बेचारी 2-3 दिन में ही हड्डी का ढांचा बन के रह गई, और बस मानो बेचारी सुमन मौत के सामने देखकर बस ये बोली रही कि हम मर जाए तो जाए, पर हमरे बचवा को बचा लो। पर बैद हकीम कछु ना कर सके साहब, कछु ना कर सके। और 4 ही दिनों में सुमन और उसके पेट का बच्चा दोनों खत्म हो गए। बहुत दर्द भरी कहानी थी सुमन की, पर क्या सुमन की बच्चे के लिए चाह इतनी बड़ी थी कि बरसों बाद जब उस घर में सौम्या गर्भवती हुई तो सुमन की ममता फिर जग उठी, और सुमन की आत्मा सौम्या की बच्ची को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो गई, किसी की जान लेने को भी। सवाल है कि क्या ममता की जड़ें इतनी गहरी हो सकती हैं कि वो जीवन जाने के बाद भी न टूटे? जवाब ढूंढिए, क्योंकि कल रात मैं भी तैयार रहूंगा आपके लिए एक नई घटना लेकर, जिसे सुनकर सौम्या की तरह आप भी कह पड़ेंगे। और आखिरी बात, सांसें बहुत कीमती होती हैं, क्योंकि कोई इन्हें कभी भी रोक सकता है। ओके, गुड नाइट।